गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आपकी फ्रेंड आराधना। डेली लाइव आने के टाइम ही अभी उठी हूं, 4:30 हो रहा है और लाइव नहीं आ पा रही हूं क्योंकि नेटवर्क का इशू है थोड़ा आजकल। अभी बच्चे सब सो रहे हैं, हस्बैंड बच्चे बगल वाले रूम में, और मैं अभी हमने ना अपना रूम फास्ट शिफ्ट कर दिया है, चेंज किया है थोड़ा दिवाली की सफाई के टाइम। अब मैं अपनी थायराइड की पिल्स लूँगी और उसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठूँगी। मुझे पिछले 4 सालों से थायराइड के पिल्स लेने पड़ते हैं। जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसी टाइम से मुझे पता चला एक्चुअल में कि हाँ थायराइड है मुझे। तो अभी तो बस मैं 0.25 का लेती हूँ मैं थायराइड का पिल्स, और उसके बाद फिर मैं पढ़ने बैठूँगी। प्रेगनेंसी टाइम में 0.75 का लेना पड़ा था मुझे, क्योंकि थायराइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। बच्चे का फिर माइंड डेवलप नहीं होता है, और हर 6 महीने पे मैं टेस्ट कराती रहती हूँ। तो जैसा मतलब होता है, अगर कभी बढ़ा हो तो फिर मैं पावर बढ़ाती हूँ मैं डोजेज अपने, वरना फिर कम ही रखती हूँ। बीच में तो काफ़ी टाइम के लिए मेरा छूट भी गया था ये शादी वादी के चक्कर में। फिर अभी मुझे लगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, पैरों में पेन होने लग जाता है, मेरे नेल्स टूटने लग जाते हैं और हेयर फॉल वगैरह, तो मैं फिर टेस्ट कराई हूँ और फिर से मैंने स्टार्ट किया है अभी। और एक कमेंट आप लोग का हमेशा आता है कि हम मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो हम मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो इट्स ओके यार, अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठ पा रही हैं कोई इशू नहीं है। आपको जब ठीक लग रहा, अगर आप लेट नाइट पढ़ ले रही हैं तो आप लेट नाइट ही पढ़िए। मैं मॉर्निंग में इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं और फिर बच्चों का कुछ भी पता नहीं होता है, मुझे सुबह सुबह ही फिर उनके साथ लगना पड़ जाता है। एक बच्चा मेरा अभी 9 मंथ्स का है और एक अभी 4 की होने वाली है, तो इस वजह से ना मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ जाता है। तो वो उठते हैं, उनके उठने से पहले मैं फिर अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। और कभी कभी तो आप लोग देखते भी हैं कि लाइव सेशन के टाइम ही मुझे जाना पड़ जाता है सुलाने के लिए अपनी छोटी बच्ची को। मैं चाहे कितने बजे भी उठती हूँ, 6 बजे तक मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर 6 बजे से अपना डेली रूटीन पे लगती हूँ। देन 8 बजे तक मैं गिया को स्कूल भेज लेती हूँ, उसके बाद फिर छोटी वाली बच्ची को मालिश करती हूँ। एंड देन जो मुझे वीडियो में एडिटिंग वगैरह करना होता है, वीडियो अपलोड करना होता है, तब मैं करती हूँ। जब छोटी वाली को 8:30 बजे तक मालिश करके सुला लेती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ आजकल 3-4 दिनों से, क्योंकि ना हमारा वाईफाई का काफ़ी थोड़ा इशू चल रहा है। हमने अपना जो डेन था ना, डेन को जियो में कन्वर्ट किया अभी, तो फिर काफ़ी ज़्यादा वो नेटवर्क अच्छे से नहीं रह रहा है। तो मैं अगर लाइव आऊँगी भी तो क्लियरिटी नहीं रहेगी पिक्चर में, तो इस वजह से मैं अभी लाइव नहीं आ रही हूँ। पर अभी मैं पढ़ूँगी 5:30-6 बजे तक तो मैं आराम से पढ़ूँगी, और 6 बजे के बाद फिर मैं अपना डेली रूटीन पर लगूँगी। गिया को स्कूल भेजना है, आज है मंडे जो बहुत ही बिजी डे होता है। एंड आई होप कि आप लोग भी अभी इस टाइम पढ़ रही होंगी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मुझे आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं लाइव आने के लिए। तो जैसे ही मेरा थोड़ा नेटवर्क का इशू ठीक हो जा रहा है, हो सकता है आज मंडे है बुलाया गया है, ठीक हो जाए, वाईफाई वाले अंकल को बुलाया गया है, अगर हो जाएगा तो फिर मैं कल सुबह से ही लाइव आऊँगी। तो अभी लेट नहीं करते हैं और अभी अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं।